गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास 7, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक में हम पार्ट 20 पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हम पहले भाग एक में हम मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे देखे, उनके मुहावरे कैसे होते हैं, मुहावरों के अर्थ देखे और उनके वाक्य देखे। उसी के अंदर भाग जो दो है लोकतियाँ, उसका अब अध्ययन करेंगे अपन। लोकतियाँ प्रोवर्ब्स, लोकतियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण हो जाती है। मुहावरे बताए थे मैंने आपको इससे पहले कि साधारण अर्थ ना देकर वो क्या करते हैं, मुहावरे विशेष अर्थ देते हैं वाक्य का। और लोकतियाँ क्या होती है, लोकतियों के प्रयोग से भाषा क्या होती है, अपनी सुंदर होती है, आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण हो जाती है। लोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावत लोकतियाँ कहलाती है। लोकतियाँ क्या कहलाती है, जो लोगों में जो लोगों में कहावत होती है, आम बोलचाल, वो क्या होती है, लोकतियाँ। कुछ प्रचलित लोकतियाँ और उनके वाक्य प्रयोग हैं, अधजल गगरी छलकते जाए, अर्थ है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। राकेश थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गया, हर समय गलत अंग्रेजी बोलता रहता है। सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकते जाए, मतलब कम गुण वाला व्यक्ति क्या करता है, दिखावा अधिक करता है। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थ है इसका समय निकलने पर पछताने के करना व्यर्थ है, पछताप होता है करना व्यर्थ है, पहले तुमने परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण होने पर रोने से क्या लाभ। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब पछताने से क्या मतलब है, जब समय ही निकल गया है आपका। आ बैल मुझे मार, स्वयं में कोई मुसीबत खड़ी कर लेना, मैं उस मूर्ख व्यक्ति को स्वयं अपनी संस्था में बुलाकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, ना बाबा ना। आ बैल मुझे मार वाली का बात मैं नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैं स्वयं में अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता उस मूर्ख व्यक्ति को बुलाकर। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ लेना। प्रतिभा ने हिंदी व्याकरण पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और फिर इसी पुस्तक को अपने मित्र को आधे दाम में बेच भी दिया। इसे कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ हो गया ना, पहले उसने खुद ने पढ़ ली तो वो उत्तीर्ण हो गई और उसके बाद में उसको अपने मित्र को आधी कीमत में बेच दी तो वो भी लाभ हो गया, तो ये दोहरा लाभ हो गया उसे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है, मतलब एक खराब व्यक्ति क्या करता है, अपन कहावत में कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दी, एक बुरे व्यक्ति के होने पर वो सारा जो माहौल होता है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। इस शराबी की देखा देखी गली के और युवक भी शराब पीने लगे, सच्ची कहे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही वस्तु मिल जाना। रोहित पढ़ाई में मदद चाहता था, उसे एक किराएदार के रूप में अध्यापक मिल गया। अंधा क्या चाहे दो आंखें, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी द पावे। ज़्यादा लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। उस समय मेरी मोटरसाइकिल के 20,000 मिल रहे थे, मैं 30,000 पर पड़ा था, अड़ा रहा। आज कोई मुझे इसके 15,000 भी नहीं देता। किसी ने सच कहा है कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष स्वीकार न करके दूसरे को डांटना। एक तो आपने अपने ट्रक से भरी कार तोड़ दी और मुझसे ही हर्जाना मांग रहे हो, भाई ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा और उसमें गुण क्या थे, बहुत कम होना, नाम बड़ा होने पर भी बहुत कम गुण होना। बोर्ड तो लगा है रियान इंटरनेशनल का,
लेकिन पढ़ाने वाला सभी अध्यापक अप्रशिक्षित है। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान पीका पकवान। एक अनार सौ बीमार। अनेक लोगों का एक ही वस्तु का इच्छुक होना। डाकघर में क्लर्क के लिए एक रिक्त स्थान है, लेकिन प्रार्थना पत्र असंख्य आए हैं। देखा एक अनार सौ बीमार। एक पंथ दो काज। एक प्रयत्न से दो कार्य सिद्ध होना। मैं दिल्ली अपने व्यापारिक काम के लिए गया और वह वहाँ घूम भी आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। मतलब एक प्रयत्न से दो कार्य सिद्ध हो रहे हैं अपने। एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई भी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। मैं ये मानने को कत्ते तैयार नहीं हूँ कि सारी गलती रोशन की है। अजय का बिल्कुल दोष नहीं है, सिर्फ एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। दो महत्वाकांक्षी नेता एक ही पार्टी में नहीं रह सकते। तुमने सुना ही है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चालाकी से एक बार काम निकलता है, मतलब बार बार काम नहीं निकल सकता। आप काट की जो हांडी होती है उसको बार बार नहीं चढ़ती है, पर जो चालाकी है इसका अर्थ है चालाकी से एक बार काम निकलता है, बार बार नहीं निकलता। एक बार तो तुमने झूठ बोलकर मुझसे रुपए ले गए, अब मैं दोबारा तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। सेठ धर्मराज का श्यामलाल से क्या मुकाबला। एक मिल का मालिक और दूसरे घर रोटी पकाने के लिए भी आटा भी नहीं। भला कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नाचे न जाना जाने आंगन टेढ़ा। काम करने की विधि न जानने पर बहाना बनाना। रिया को शास्त्रीय संगीत तो आता नहीं, कहती तो तानपुरा ठीक नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत परिश्रम से थोड़ा बहुत लाभ। मैंने कंगाड़ा के किले की प्रशंसा सुन रखी है। गत मास में जब उसे देखने गया तो टूटे फूटे दीवारों के अलावा कुछ ना मिला। तब मैंने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। लज्जित होकर क्रोध निकालना। पुलिस ने जब तुम्हारी पिटाई की तो वहाँ तुम कुछ ना बोल सके, यहाँ आकर मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। घर का बेदी लंका ढाए। आपस की फूट से हानि पहुँचाती है। पिता से लड़कर पुत्र ने घर में रखे अवैध धन का ब्यौरा आयकर अधिकारी को दे दिया और उन्होंने छापा मारकर धन अपने कब्जे में ली। सच ही कहा है कि घर का बेदी क्या करता है, लंका ही ढाता है। मतलब जो घर के जो रहस्य हैं वो अपन दूसरे को जाकर बता रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका है, अपना ही है ना, क्योंकि अपनी इज्जत खराब हो रही है अपने घर की। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु का आदर नहीं होता। अपने खेत के बैंगन तो अच्छे लगते नहीं, बाजार से सड़े बैंगन 30 रुपये किलो ले आए। तो यही तो बात है कि घर की मुर्गी क्या है, दाल बराबर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े समय का सुख फिर वही कष्ट। अरे अमृत, धन दौलत के नशे में तुम्हें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ये झूठी कमाई थोड़े दिन की ही है। 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेरी रात है। बात यही तो तुम्हें याद रखनी है चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी स्वयं डरता है। मैंने तो रमन से पूछा कि तुम्हारी पुस्तक क्यों चुराई, तुमने मेरी पुस्तक क्यों चुराई। ये सुनकर मोहन भागा। मैंने उसे पकड़ लिया और पुस्तक उसी के रास्ते में से निकली। किसी ने सच ही कहा कि चोर की दाढ़ी में क्या होता है, तिनका होता है। जल में रहकर मगर से बैर। साथ के लोगों से शत्रुता मोल लेना। तुमने अपने मकान मालिक से झगड़ा करके ठीक नहीं किया। चलो इनसे माफ़ी मांगो। जल में रहकर मगर से बैर अच्छा नहीं है। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, जो डींगे मारते हैं वह काम नहीं करते। संजय कहता है
कि इस बार तो 100 मीटर की 100 मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम करूँ। रिकॉर्ड कायम करना तो दूर, मैं तीसरा स्थान भी नहीं ले सका। सच ही तो है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान का सवित्र बोलवाला होता है, मतलब बलवान जो होते हैं उनका सब जगह बोलवाला होता है। राजू ने पहले तो सचिन के घर चोरी करवा दी, फिर उसी ही थाने में बंद करवा दिया। इसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाना। ऐसा काम करो कि मजदूरों की हड़ताल भी समाप्त हो जाए और हमारा नाम भी बदनाम ना हो। इसी में चतुराई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोता चना बाजे घना, अर्थ है इसका अयोग्य व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। वाक्य प्रयोग है, अनुराग के पास रहने को मकान नहीं और बातें करता है करोड़ों की कारोबार की। किसी ने सच्ची कहा है कि थोता चना बाजे घना। दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ है इसका सच झूठ का ठीक फैसला। वाक्य है प्रयोग है, न्यायाधीश ने अपने असली अपराधी को सजा देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अर्थ है इसका दूर से देखने पर सब अच्छा लगता है। वाक्य प्रयोग, तुम्हें शहरी जीवन का बड़ा आकर्षक लगता है, पर सच्चाई हम ही जानते हैं, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, अर्थ है इसका कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना। वाक्य प्रयोग है, सारा दिन बच्चे आम के लिए पेड़ पर पत्थर मारते रहते हैं, इसलिए हमने आंगन में से आम का पेड़ ही कटवा दिया। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। काला अक्षर भेस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग है, भोपाली को किताब देने का क्या फ़ायदा, उसके लिए तो काला अक्षर क्या है, भैंस के बराबर है, मतलब उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, अर्थ है इसके बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता। सारा वाक्य प्रयोग है, सारा साल तो तुम आवारा युद्धि में करते रहे, अब फेल होने पर रो क्यों रहे हो, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होएंगे उसमें। रस्सी जल गई पल ना गया, अर्थ है इसका शक्तिहीन होने पर भी घमंड ना जाना। वाक्य प्रयोग है, अभी अभी राहुल के अध्यापक से पिटाई हुई है, फिर भी अकड़ रहा है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अकल बड़ी या भैंस, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। मोहन के भारी भरकम शरीर को देखकर घबराओ नहीं, वाद विवाद में शरीर की नहीं बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम देना। किसी पहलवान के को नाश्ते में पीने के लिए एक गिलास दूध देना तो ऊँट के मुंह में जीरा देना है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अर्थ है इसका एक जैसे स्वभाव वाले। आजकल किसी भी राजनेता पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गरीबी में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत होना। वाक्य प्रयोग है, वह पहले ही निर्धन था, अब तो नौकरी भी छूट गई। इसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला होना। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, अर्थ है इसका सिद्धांतहीन व्यक्ति। आजकल के नेता किसी एक दल के बनकर नहीं रहते, वह तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास की तरह है। चोर चोर मोसरे भाई, एक से स्वभाव के लोग में शीघ्र मित्रता हो जाती है। राम और श्याम दोनों को एक साथ देखकर उनकी सत्यता प्रमाणित हो गई। दोनों ही भेद आलसी हैं। किसी ने सत्य ही कहा कि चोर चोर क्या होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। डाक के तीन पात होना, सदा एक सी हालत में रहना।
मोहन को चाहे कितने भी रुपए दे दो, उसकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि डाक के तीन पात रहना है। तो ये हमने कौन क्या पढ़ी, लोकतियाँ पढ़ी। लोकतियाँ क्या होती है, जो अपनी जो आम बोलचाल है उसकी भाषा में क्या होती है, स्पष्ट होती है वो, और सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाती है अपनी भाषा को। तो ये लोकतियाँ थी, इससे पहले अपने मुहावरे पढ़े थे। धन्यवाद।